Very good evening, student. This is your chemistry teacher. Welcome to Arcady classes. देखो पिले, अमरो कौन अच्छी? 2 to 3 mark रो question रो last phase अच्छी. माने अमुक total कुड़ियाँ question दे इची, up to 15 question मो discuss कर दे इची, 16 to 20 question आजे discussion करियो. Okay? So, असो first question. देखो पिले, कौन दे इची? Predict the feasibility of the reaction. First thing पहले feasibility माने कौन? देखो first 1 minute ओके फर्स्ट थिंग होची फिजिबिलिटी माने कौन मन रख पिले फिजिबिलिटी आमे कहा को कहबा ई नॉट सेल रो वैल्यू जदि पॉजिटिव आसिला ताहले ताको फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बली कहबा और दैट रिएक्शन इज फिजिबल बली कहबा बुझा पड़ुची हेले मते फर्स्ट क्वेश्चन देईची एजी प्लस एक्वस विथ सीयू सीए फिजिबल ना नहीं बोली पचारला सो मु कौन फाइंड आउट करबी ई नॉट सेल रो वैल्यू फाइंड आउट करबी जदी ई नॉट सेल रो वैल्यू पॉजिटिव आसला ताले रिएक्शन ता फिजिबल बोली कहबा ओके हेले मन रख पिले ई नॉट सेल मु केमती आनिबी ई नॉट सेल केमती आनिबी मन रख ई नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड एटा होची मोरो फॉर्मूला ओके इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एटा होची इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल सो सब बड़े मन रख पिले जत्ता बड़े भी मते E नॉट सेल रो वैल्यू कोयला मु सब बड़े E कैथोड माइनस E एनोड कर देवी दैट मींस इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्लियर बुझा पड़ुची सो देखो कौन लिखा है चेहरे Ag प्लस एक्वस विथ Cu सॉलिड सो फर्स्ट थिंग होची मते आरो रिएक्शन टाको कंप्लीट करिबा को पड़िबो कौन रिएक्शन कंप्लीट करिबा को पड़िबो देखो पिले 1 minute देखो पिले कौन करिबा इठी कौन देची मते Ag प्लस एक्वस विथ Cu सॉलिड देची फर्स्ट मोर आपको रिएक्शन रे कन्वर्ट करने को पड़े देख आईरे मु कौन करी भी? ओके देख पिले कौन कर दबा मु आईरे लिखी देवी फर्स्ट थिंग हूँ कौन देची Ag प्लस एक्वस विथ Cu सॉलिड सो Cu सॉलिड माने से Cu टा कौन है इतिबार पिले दीटा इलेक्ट्रॉन लूज करकी काहे रे कन्वर्ट हो जाइथिबो Cu2+ रे कन्वर्ट हो जाइथिबो देखो कौन अछि एटी Ag+ देला सो हमें कौन कर परबा एटी Ag+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ओके गिव्स राइज टू Ag सो आको 2 मल्टीप्लाई कर देवी सो कौन है गला रे पिले 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन कटि जीवो सो कौन पड़े आसीबो Ag प्लस प्लस Cu गिव्स राइज टू Cu2 प्लस प्लस 2 Ag ओके बुझा पड़ुची एति की हेले मते फर्स्ट थिंग को काई रे ऑक्सीडेशन हला काई रे रिडक्शन हला ये देखो ये ए जिंसडा देखो ये कौन हला पिले तमरो ऑक्सीडेशन हला काहे कि इलेक्ट्रॉन कौन करूची लूज करूची आमे जानी छे इलेक्ट्रॉन लूज कले तको आमे कौन बोली कहबा ऑक्सीडेशन बोली कहबा सो ये ऑक्सीडेशन हला ये कौन हला रे पिले इलेक्ट्रॉन गेन कला दैट मींस ये होची रिडक्शन हला बुझा पड़ुची आमे जानी छे ई नॉट सेल रो वैल्यू कौन ई कैथोड
माइनस इनओ हाँ ना नहीं कैथोड कौटा नहीं चाहे एटा कहीं कैथोड रे कौन हम रिडक्शन हम एनोड रे कौन हम ऑक्सीडेशन हम सो कैथोड हूँ एटा आर वैल्यू देख रे पिले आर वैल्यू देख बुझा पड़ी आम क्या कैथोड ने कहली तुमको रिडक्शन जोटी हूँ रिडक्शन कौटी हूँ रे पिले ए जि हूँ सो ए जि जेहेतु रिडक्शन हूँ ए जि वैल्यू हूँ 0.80 सी यू वैल्यू हूँ 0.34 सो मु कौन कर इटा 0.80 पिले ओके सो मु कौन कर देवी एडी पके देवी वैल्यू ई कैथोड कैथोड किए होची ए जी होची तेनु करे एटी 0.80 माइनस ई एनोड कहला एनोड किए रे पिले होची 0.34 सो माइनस कल केते आसीबो मोर 0.46 वोल्ट सो ई नोड सेल रो वैल्यू कौन आसला रे पिले पॉजिटिव आसला ना नाही यस पॉजिटिव आसला तेनु करी ए रिएक्शन टा होची फिजिबल रिएक्शन होची फिजिबल बुझा पड़ुची क्लियरली बुझा पड़ला समस्त को ए रिएक्शन टा कौन रे पिले तमरो फिजिबल हबो एले सेकंड रिएक्शन देखो Fe3+ एक्वस विथ Ag ये फिजिबल ना नाही सेमती आमे रिएक्शन फर्स्ट कर दबा ए पाखरे कर दोची पिले कौन हबो Ag टा तमरो Ag टा कौन करतिबो रे इलेक्ट्रॉन लूज करके कहीं रे कन्वर्ट हो जाइथिबो रे पिले Ag रे कन्वर्ट हो जाइथिबो Ag प्लस रे सेमती Fe3+ टा इलेक्ट्रॉन गेन करके कहीं रे कन्वर्ट हो जाइथिबो रे पिले Fe2+ रे कन्वर्ट हो जाइथिबो सो देखो किए ऑक्सीडेशन हला किए रिडक्शन हला चिंता करो ए देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज करुचे दैट मींस ये ऑक्सीडेशन हला बुझा पड़ुची ये कौन कला रे इलेक्ट्रॉन गेन कला दैट मींस ये होची रिडक्शन हला सो वैल्यू आमे कौन पकेबा ई कैथोड माइनस ई एनोड पकेबा कैथोड किए है रे ये होची कैथोड सो Fe3+ रो वैल्यू केते 0.77 सो कौन कर देबे एटा ई नॉट सेल इज इक्वल टू मन रहइबो क्लियरली बुझा पड़ला 0.77 माइनस केतरे पिला पकेबा ए जीरो वैल्यू केते 0.80 सो केते आछ एटा माइनस रे आंसर पळे आछ अरे 0.77 माइनस 0.80 माइनस रे आंसर आछ ना नाही सो जेतु माइनस रे आंसर पळे आछ तेनु करी दिस इज नॉट फिजिबल क्लियरली बुझा पड़ला सब बेले कौन करथुबो ए क्वेश्चन रे एमती जदी क्वेश्चन आसिला रिएक्शन टा लिखिबा चेष्टा करबो किए ऑक्सीडेशन हबो किए रिडक्शन हबो जानिबार अछि सिंपल पिले देखो ये Ag प्लस कहला माने ये इलेक्ट्रॉन गेन का करबो ये कॉपर सॉलिड कहला ये इलेक्ट्रॉन लूज का करबो दैट मींस ये ऑक्सीडेशन हला ये रिडक्शन हला ये हबो तमरो कोन ऑक्सीडेशन हला माने एनोड आकार रे यूज हबो ये रिडक्शन हला दैट मींस कैथोड आकार यूज हबो माने कार कार वैल्यू आर वैल्यू माइनस आर वैल्यू कर दबो सो एटा पॉजिटिव पय आसे क्लियर एबे आसो ये इलेक्ट्रॉन लूज करबो दैट मींस ये कोन करबो एनोड का हबो ये इलेक्ट्रॉन गेन करबो दैट मींस ये कैथोड का हबो सो कैथोड माइनस एनोड ए वैल्यू माइनस ए वैल्यू सो माइनस रासिबो सो से रिएक्शन फिजिबल नाही ए रिएक्शन होची तमरो फिजिबल क्लियर पॉइंट पूरा बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा चलो क्वेश्चन जीवा पिले देखो क्वेश्चन नंबर 17 ओके क्वेश्चन नंबर 17 मते कौन कौच रे पिले देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन फाराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमें जानीचे फाराडेस रो दीटा लॉ अछि कोटा होचे फाराडेस फर्स्ट लॉ एंड अनदर वन इज योर फाराडेस सेकंड लॉ देखो फाराडेस ओके फाराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कहुच रे हमें समस्ते जानीचे फाराडेस लॉ इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और डिपॉजिटेड अरे जोटा भी लिख परबा प्रोड्यूस्ड और डिपॉजिटेड
और लिबरेटेड जोटा भी हमें लिख पारे पिले एलई ओके कौन लिखा इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और डिपोजिटेड और लिबरेटेड कौटि पिले डिपोजिट हबो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड रे डिपोजिट हबो तेणु करि मु कोन लेखिबी एट एन इलेक्ट्रोड ओके ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट बुझा पड़ुची सिंपल जिंस मु गटे इठी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नेली एठी गोटे इलेक्ट्रोड नेली एठी आउ गोटे इलेक्ट्रोड नेली आकु कोन कली रे पिले बैटरी द्वारा कनेक्ट कर देली एठी कोन कली इलेक्ट्रोलाइट नै गली सो जेते क्वांटिटी ऑफ चार्ज मु पा बा इलेक्ट्रिसिटी पास करबी केते सब्सटेंस रहिला ता ऊपर होचि मोर फैराडेस फर्स्ट लॉ आउ थरे बुझै दोची Faraday's first law of electrolysis, it states that the mass of the substance produced or deposited or liberated at any electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through it. माने केते quantity of electricity इटी पास कलारु केते mass of substance deposit हेला ओके सो देखो इटा होची मास ऑफ द सब्सटेंस इटा होची क्वांटिटी ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो प्रोपोर्शनालिटी उठेले कोन गोटे कांस्टेंट पड़े आसला दैट इज कॉल्ड जेड सो इटी कोन लेखि देबी एम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इटा होची ग्राम जीएम लेखि दबा क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन कूलम ओके मु केते क्वांटिटी ऑफ चार्ज ताइरे पास करली नेक्स्ट जेड इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनालिटी कॉल्ड very important pile that is called electrochemical equivalent substance that is called electrochemical equivalent substance likh pariba pile next jiba kotiko faraday's second law of electrolysis taire ei tare kon asibo pile gote series connection asibo bujha paduchi dekho it states that when the same quantity of electricity इज पास्ड थ्रो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स माने केमती थिवो पिले एटा दीटा इलेक्ट्रोल मींस कोन थिवो तमर हाफ सेल थिवो बुझा पडुची सो आकु आकु कोन हेतिवो सीरीज कनेक्शन हेतिवो तुम पढ़ितिवो फैराडे सेकंड लॉ लेबी मो डिस्कशन करि दउची इट स्टेट्स दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज The mass of the substance produced at the respective electrode will be the ratio of their equivalent masses. So, ame kon koiba mass of substance of A divided by equivalent of mass of A is equal to mass of substance of B divided by equivalent of mass of B. Jodi eta ithu gina aniba, eta ithu gina aniba. एंते क्रिस क्रॉस कर दियो सो सेम होबो ना मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ बी लिख परिबा पिले एमती तुमको फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पचारिबो आमे एति की कोन करि परिबा आराम लिख ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले डिफरेंस बिटवीन फ्यूल सेल एंड बैटरी फ्यूल सेल है कि बैटरी भीतर एक्चुअली डिफरेंस कौन अच्छे देखो पिले सिंपल डिफरेंस बेसी लिखा दरकार नहीं सिंपल इन फ्यूल सेल रिएक्टेंट्स आर कॉन्स्टेंटली सप्लाई आम देखो फ्यूल सेल रे देखि दिबो गोटे साइड रो हाइड्रोजन गैस आ गोटे साइड रो ऑक्सीजन गैस कॉन्स्टेंटली कौन होतुबे ब्लो होतुबे बुझा पड़ुची देखो सेम जिन का लिखाई इन फ्यूल सेल रिएक्टेंट्स आर कॉन्स्टेंटली सप्लाई व्हेयर एज इन बैटरी रिएक्टेंट्स आर स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी ओनली कौन है पिले
फ्यूएल सेल रे कौन हो तुबो कांस्टेंटली सप्लाई हो तुबो बट बैटरी रे रिएक्टेंट कौन हो तुबो आर स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी बैटरी भीतर का थिबो बुझा पड़ुची तमे ड्राई सेल देखतिबो लेड स्टोरेज बैटरी देखतिबो सब बुझा करे बुझा पड़ुची रिएक्टेंट कोठी थिबो तमरो सेही बैटरी भीतर का थिबो बट फ्यूएल सेल रे कौन हो तुबो कांस्टेंटली फ्लो हो तुबो हबो फर्स्ट पॉइंट सेकंड फ्यूएल सेल इज एन ओपन सिस्टम एज रिएक्टेंट्स आर स्टोर्ड आउटसाइड व्हाइल बैटरी इज ए क्लोज्ड सिस्टम अरे बैटरी कौन गोटे क्लोज्ड सिस्टम तहरे का सब जगह जिनस रही गला बट गोटे फ्यूएल सेल गोटे कौन ओपन सिस्टम ओके नेक्स्ट फ्यूएल सेल वर्क्स एज लॉन्ग एज फ्यूएल इज सप्लाइड व्हाइल बैटरी रिक्वायर्स रेगुलर रिप्लेसमेंट जदि फ्यूएल सेल कौन रे जेतबळ जाय आमे फ्यूएल सप्लाई कर दुवा फ्यूएल सेल सेतबळ जाय चालथे बट बैटरी वन्स खराब हेले आमे ताको कौन बोली करबा को पड़िबो रिप्लेसमेंट करबा को पड़िबो ओके नेक्स्ट फ्यूएल सेल रिक्वायर्ड मोर स्पेस एज रिएक्टेंट स्टोर्ड आउटसाइड व्हाइल बैटरी रिक्वायर्ड लेस स्पेस स्पेस अनुसार ताको कौन कर देला डिफरेंशिएट कर देला सो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जाई परिवा सिंपल डिफरेंस मिले गुटे चारिटा डिफरेंस मु लेखि छि सेतिके डिफरेंस तमे एग्जाम रे लेखि दबो नेक्स्ट पॉइंट को चलो पांच छटा अछि सेतिके सॉरी चारिटा देख लेखि देले नेक्स्ट चलो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूएल सेल पिले हमरो फ्यूएल सेल अछि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूएल सेल मु लेखि छि ए जाको डिस्कशन करबा दरकार नै सिंपली तमे फ्यूएल सेल रो डिफरेंट टाइप जानि दियो कोन कोन फ्यूएल सेल अछि देखो फर्स्ट फ्यूएल सेल होची तमरो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल आमे को फ्यूएल सेल पढ़ुचे H2O2 फ्यूएल सेल आमे H2O2 फ्यूएल सेल पढ़ुचे माने रिएक्टेंट आमे कौन करुचे H2 है कि O2 प्रोवाइड करुचे ताको एटी डिफरेंट टाइप ऑफ कौन अच्छी तमरो फ्यूएल सेल अच्छी फर्स्ट कौन रे पिले कहली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल सेकंड कौन रे पिले डायरेक्ट मिथानॉल फ्यूएल सेल ओके ए जाको उचि कौन तमरो रिएक्टेंट जाको ओके अल्कलाइन फ्यूएल सेल फास्फोरिक एसिड फ्यूएल सेल मोल्टन कार्बोनेट फ्यूएल सेल सॉलिड ऑक्साइड फ्यूएल सेल रिवर्सिबल फ्यूएल सेल एतिके फ्यूएल आमे आ भीतरे डिस्कशन करबा ने पिले नॉट रिक्वायर्ड ओके हमें सिंपली कौन कौन फ्यूएल सेल अच्छे हमें लिखी ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी तमरो लास्ट क्वेश्चन पिले इटा व्हाट इज कोरोसन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इट कोरोसन वाले किछ नाइ पिले रोस्टिंग आयरन गोटे नबा हमें पदार एमती पके दबा सो केते मास हो वर्ष हो गले कौन है जाइतिबो सेठी रोस्ट लाग जाइतिबो दैट इज कोरोसन और वन टाइप ऑफ कोरोसन बोली कहबा ओके देखो कोरोसन डेफिन कौन लिखला पिले कोरोसन डेफिनेशन स्टेट्स दैट और कोरोसन एटा न लिखले चलेबो कोरोसन स्टेट्स दैट इट इज ए नेचुरल प्रोसेस पिले रोस्टिंग करिबाटा आमे करि परिबा कि पिले कोन एक्चुअली हो सेटा गोटे नेचुरल प्रोसेस माने एटमॉस्फेयर रो गैस वाटर सब को नै कि से कोन करिवो रोस्ट फॉर्मेशन करिवो ओके सो कोरोसन स्टेट्स दैट इट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस माने कोन मोर लोहा होची गोटे प्योर सब्सटेंस हमको रोस्ट दरकार नै रोस्टिंग दरकार नै बुझा पड़ुची बट हमको कौन दरकार आयरन रो प्लेट दरकार बा आयरन दरकार हेले मु रोस्ट कौन गोटे रोस्ट को कौन बोली कहबी अनडिजायरेबल सब्सटेंस बुझा पड़ुची कौन लिखाई छि रे कोरोसन स्टेट्स दैट इट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो रोस्टिंग कोयली दैट इज अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हेन दे रिएक्ट विथ सब्सटेंस सच एज वाटर और एट वाटर है कि एट रो कांटेक्ट रे आसिले कोन कोन हे जीव तमरो पिले जो आयरन काई रे कन्वर्ट हे जीव रोस्ट कन्वर्ट ओके
फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन कॉजेस डैमेज ऑफ मेटल एज इट इंटरफेसेस विद द एनवायरमेंट। ओके सो एटा होचि मोर डेफिनेशन ऑफ रोस्टिंग। लिखा है कोरोसन एंड इट्स टाइप। कोरोसन रे गोटे अच्छी यूनिफॉर्म कोरोसन। यूनिफॉर्म कोरोसन का कहवा सेम मु तुमको कहली आयरन रे जो रोस्ट रोस्टिंग हम कलंकी जो लगे बुझा पड़ी। सो दैट इज योर यूनिफॉर्म कोरोजन। देख कौन लिखा है इन द यूनिफॉर्म कोरोजन ए यूनिफॉर्म लेयर ऑफ रोस्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। बुझा पड़ी यूनिफॉर्मली से कौन हम रोस्ट क्रिएट कर। नेक्स्ट आ गोटे कौन रे पिले अच्छी देख इरोसिव करोशन। कौन अच्छी मोर इरोसिव करोशन। इरोसिव करोशन कौन इरोसिव करोशन इज कोज्ड बाय द मेकानिकल अब्जर्शन ड्यू टू द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द मेटल सरफेस एंड अ करोसिव लिक्विड। इन दिस द सरफेस ऑफ द मेटल गेट्स डिटोरेटेड ग्रेजुअली बाय द अब्जर्शन ऑफ फास्ट मूविंग लिक्विड। एक्चुअली कौन बड़ बड़ पाइप जगह जो रोस्ट हम ताको आम कौन बोली कहे इरोसिव करोशन बोली कहे। ओके बुझा पड़ी देख ये भी लिखाई इन दिस द सरफेस ऑफ मेटल गेट्स डिटोरेटेड ग्रेजुअली बाय द एब्जर्प्शन ऑफ फास्ट मूविंग लिक्विड। ओके एंड केविटीज आर आल्सो फॉर्म्ड। दिस टाइप ऑफ करोशन इज कॉमनली सीन इन मेटल कैरिंग मूविंग फ्लोइड इन देम। माने बड़ बड़ पाइप कथा से कह क्लियर बुझा पड़ला। सो एतिकी पिले आमर कौन कोरोसन उपरे कंसेप्ट और आमे कौन कले पिले डिस्कशन कर देले 16-20 नंबर ऑफ क्वेश्चन। बुझा पड़ला। सो एतिकी हे गला मोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो होल 2 and 3 मार्क क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आमे कौन स्टार्ट कर दबा यूनिट 3 दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ओके सो एतिकी क्वेश्चन तमे भलो के लिखि दियो। नेक्स्ट क्लास रे आमे काइनेटिक्स स्टार्ट कर। थैंक यू।